Assalamualaikum to everyone. Welcome to Uteco. मोबाइल एप्लीकेशन सीरीज की आज हमारी दूसरी वीडियो है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हम किस तरह किसी भी पिक्चर में से गैर ज़रूरी ऑब्जेक्ट रिमूव कर सकते हैं। टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आज की वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम अपने मोबाइल फ़ोन से गूगल प्ले स्टोर ओपन करेंगे। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद सर्च बार में हम टाइप करेंगे रिमूव अनवांटेड ऑब्जेक्ट। ये तो यहाँ पर हमारे सामने ये एप्लीकेशन शो हो चुकी है। इंस्टॉल के बटन पर क्लिक करके हम इसे इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल होने के बाद आप ओपन के बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको एप्लीकेशन का फर्स्ट इंटरफेस देखने को मिलेगा। सबसे पहले आपको स्क्रीन पर चार ऑप्शन दिए जाएंगे। नंबर वन पे है गैलरी, नंबर टू पे कैमरा, थ्री पे कलेक्शंस एंड फोर पे ट्यूटोरियल्स। तो हम जिस भी पिक्चर की सफाई करना चाहते हैं, यानी कि कोई भी हमारे पास ऐसी पिक्चर है जिसमें गैर ज़रूरी चीज़ें मौजूद हैं तो हम उनको रिमूव करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम उस पिक्चर को इम्पोर्ट करेंगे। इम्पोर्ट करने के लिए हम गैलरी के बटन पर क्लिक करेंगे। देन आप थ्री डॉट्स पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप इमेजेस पर जाएंगे। जी तो यहाँ पर आपकी गैलरी के तमाम फोल्डर्स शो होंगे। तो यहाँ पर आपकी इमेज जिस फोल्डर में मौजूद हो, आपने उस फोल्डर में से अपनी इमेज को इम्पोर्ट करना है। तो मेरे केस में मैंने रिमूव फोल्डर में अपनी इमेज को रखा हुआ है, तो मैं रिमूव फोल्डर को ओपन करूँगा एंड देन इम्पोर्ट द पिक्चर। जी तो ये हमारी पिक्चर इम्पोर्ट हो चुकी है। यहाँ पर अगर आप देखें तो नीचे आपको चार ऑप्शन दिए जाएंगे। नंबर वन पे ब्रश, नंबर टू पे लेजर टूल, नंबर थ्री पे अरेजर, नंबर फोर पे सेटिंग्स। तो मेरा जो फेवरेट है, मैं ज़्यादातर ब्रश यूज़ करता हूँ। आप चाहें तो आप लेजर टूल को भी यूज़ कर सकते हैं, अरेजर को भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ब्रश सेलेक्ट करूँगा। ब्रश के बाद मैं सेटिंग्स में जाऊँगा। यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा साइज़। यहाँ पर आप अपने ब्रश का साइज़ इंक्रीज़ भी कर सकते हैं और डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अपने ब्रश का साइज़ इतना रखूँगा। उसके बाद आपने जिस भी ऑब्जेक्ट को रिमूव करना है तो आप उस ऑब्जेक्ट को इस ब्रश के साथ पेंट करेंगे। तो पेंट करने के लिए आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर फिंगर प्लेस करेंगे। जी तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉर्नर में आपको जूम पैनल भी दिया जाएगा। यहाँ पर आप पूरी बॉडी को पेंट करेंगे, यानी जो जो हिस्सा आप रिमूव करना चाहते हैं आप उसको पेंट करें। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट पेंट हो चुका है। पेंट करने के बाद नीचे आपको एक बटन दिया जाएगा प्रोसेस का, तो आपने प्रोसेस पे क्लिक करना है। तो देख सकते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो रिमूव हो चुका है, लेकिन साइड पे कुछ हिस्सा बाकी रह गया। ये उसका शेडो है, यानी कि जो इमेज हमने रिमूव की है उसका शेडो हमने पेंट नहीं किया था। तो हम अगेन उसका शेडो पेंट करेंगे। शेडो पेंट करने के बाद अगेन प्रोसेस। जी तो आप देख सकते हैं कि आपका ऑब्जेक्ट जो है वो पूरी तरह से रिमूव हो चुका है। इसी तरह आप मज़ीद पिक्चर्स के साथ भी खेल सकते हैं। अगर आपकी कोई पर्सनल इमेज है जहाँ पर आपके कपड़ों पे कोई दाग धब्बे मौजूद हैं या आपके चेहरे पे बॉडी पे कोई भी पिंपल्स वगैरह मौजूद हैं, तो आप उनको भी पेंट करके रिमूव कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट रिमूव करने के बाद अगर आप ऊपर देखें तो ऊपर आपको सबसे पहला ऑप्शन कैमरा, उसके बाद गैलरी, उसके बाद अनडू, रीडू और उसके लास्ट पे आपको सेव का बटन दिखाई दिया जाएगा। यहाँ पर आप सेव के बटन पे क्लिक करके आप अपनी इमेज को सेव कर सकते हैं। यहाँ पर सेव के बटन पे एंड देन आप इसे यस करेंगे। जी तो ये आपकी इमेज आपकी गैलरी में सेव हो चुकी है। जी तो ये थी हमारी आज की वीडियो। इसी तरह की मज़ीद वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि आप मज़ीद किस तरह की वीडियोज़ देखना चाहते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।